मॉर्निंग में यहाँ पर अमेजोन होता है और आफ्टरनून में यहाँ पर डिजिटल की क्लास होती है। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। हमारे टीचर है सर अहमद, वो बिहार टीच से भी हमने उठाए हैं, तो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग के हवाले से मैंने आपको बताया कि इसमें हर चीज़ इंक्लूडेड है। वर्चुअल भी हम सिखा रहे होते हैं, ये बच्चियाँ वर्चुअली भी काम कर सकती हैं, बट हमारी कोशिश होती है कि इन द मार्केट दे विल गो और ये लर्न करें इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पर जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं टेस्ट दे रही हैं, मेरी उनसे हेलो महेश्वरी समाज पाकिस्तान, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बहुत खुश हूँ, मैं जब बच्चियों को देखती हूँ ना निकल के काम करते वक्त, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच और मुझे बहुत खुशी होती है बच्चियों को देख के वो निकल कर आ रही है, दे आर स्टार्ट वर्किंग, दे आर थिंकिंग अबाउट वर्किंग, के वो सोच रही है कि हमें काम करना है। तो आपकी जो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं आपको ले रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, होपफुली मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप हमारे साथ बहुत पॉजिटिविटी के साथ चलेंगी और आप लोग जब इंटरव्यू जब टेस्ट हो जाएंगे तो हमें आपके रिजल्ट्स पता चलेंगे, उसके बाद हम आपकी सिलेक्शन करेंगे। तो 6 महीने आपके बहुत अच्छे गुजरे और एट द एंड 6 मंथ्स के बाद आप अपनी फैमिली को एटलीस्ट थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए। दिस इज वॉट आई वॉन्ट कि वुमेन पावर बहुत अच्छे, वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड। हमारी 50% जो आबादी है उससे ज्यादा आबादी जो है वो फीमेल्स की। आई वॉन्ट यू ऑल यू गाइज कि आप कमिटेड हो, हम कमिटमेंट करते हैं कि हम एट द एंड तक जाएंगे आप उनको कहीं ना कहीं पहुंचाने, ठीक है? गिव योर टेस्ट। थैंक यू सो मच अगेन फॉर गॉड ब्लेस मजीद बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालने का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम मिल के बहुत अच्छा चेंज आएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन यहाँ पे मैट्रिक का मैट्रिक एग्जाम्स दे दिए, अच्छे गए एग्जाम्स, अभी क्या है मोटिवेशन, क्या है, क्या करना है लाइफ, क्या करना है? जब यहाँ से करके जाओगी ना तो इससे ऊंची आवाज होगी, विथ फुल कॉन्फिडेंस। यहाँ पर आप सब आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों को देख के। होपफुली जो है एट द एंड ऑफ द सिक्स मंथ हम कुछ ना कुछ आपका सीख कर जाएंगे, हम कुछ ना कुछ आपको जरूर देंगे। आपकी टीम आपके लिए जो टीचर्स हैं, मैं तो उनको टीचर्स ही कहूँगी, ये काफ़ी मोटिवेटेड होकर आप सबको मेरे पास लेकर आए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इनकी उम्मीदों को ख़त्म नहीं करें। क्लैप फॉर योर टीम, थैंक यू सो मच मैं बच्चों, और मेरे टीचर्स काफ़ी कमिटेड हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ फुली कमिटेड रहें, अटेंडेंस के हवाले से, ट्रेनिंग्स के हवाले से, ऑन जॉब ट्रेनिंग जो हम भेजते हैं, कामों में भेजते हैं बच्चों को, उसके हवाले से एट द एंड आप एटलीस्ट इतने हो जाए अपना खर्चा और थोड़ा बहुत अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें, सही है? चलो गॉड ब्लेस यू, ब्लेस कीजिए अपना, थैंक यू। Thank you.
बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। आई मीन अपनी बच्चियों को लेकर आना यहाँ पर आए और अपने बच्चों को कोर्सेज के हवाले से अपनी कम्युनिटी को हेल्प आउट करना। अच्छा मैं थोड़ी सी लंबी बात करूँगी, आप पेरेंट्स हैं मैडम, मैं यहाँ पे भाई घुमाएंगे जरा, नहीं घुमाएंगे मैडम, अभी आप भी यंगस्टर्स होंगे ना, मनीष बनानी है, ये भी बहुत अहम काम है, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन उन रोमदारी भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपकी बच्चियाँ इसी जगह खड़ी हों। जिंदगी ये तो हमारी उम्मीद है, जिंदगी का कोई नहीं पता होता, मुश्किल आती हैं, कई दफ़ा ऐसी मुश्किल आती हैं कि आपको खुद घर से निकलना पड़ता है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, आपको अपनी फैमिली के साथ खड़ा होना है, कुछ ना कुछ उनको कमा के देना है, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए कमाते हो, आप अपने घर के लिए कमाते हो, सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी नहीं है, औरतों की भी जिम्मेदारी। हम बहुत बड़ा तबका है, हम 50% से ज़्यादा हैं, हम खवातीन की तादाद पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा है, हम लोग बहुत तब्दील ला सकते हैं, और तब्दील हम कहाँ से ला सकते हैं, अपनी बच्चियों से, हम अपनी बच्चियों को सिखाएं, हम अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने की हौसला दें, बेसिकली उन बच्चियों को हौसला चाहिए आपसे, आप उन बच्चियों को हौसला देंगे, आप उन बच्चियों को इजाज़त देंगे कि टाइम से जाके क्लास लेनी है, टाइम से जाके सब कुछ सीखना है, आखिर में तुमने जो है काम करने के हवाले से तुम्हें इदारा भेजेगा जिन जिन जगहों पर, जगहें मैं पूरी श्योरिटी लेती हूँ कि वो जगह ऐसी होगी जहाँ पे आपकी बच्चियाँ महफूज हों। 2017 से हम काम कर रहे हैं और 2017 से हमें कोई ऐसी मुश्किल का सामना नहीं किया, क्योंकि हम जिन इदारों में जगहों पे जाते हैं बच्चियों को काम के लिए भेजते हैं, वो जगह ऐसी होती हैं कि पहले मेरी टीम के लोग खुद जाते हैं और वहाँ पे एक हफ्ता गुजारते हैं, हम किसी तरीके की टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करते, किसी भी किस्म की ज्यादती, नो गाली, नो ऊंची आवाज, कोई भी फिजिकल, कोई भी जिस्मानी उनको तकलीफ ना, ये हमारी पूरी कोशिश होगी, लेकिन हमें ये कमिटमेंट चाहिए होती है कि आप पूरे तरीके से सिंसियरिटी के साथ यहाँ ट्रेनिंग करें और कामों पर अपनी बच्चियों को भेजें। हम जब उन इदारों से बात करते हैं ना कि बच्चियाँ आपके पास काम करने आ रही हैं, तो ये बच्चियाँ वो इदारे बेसिकली अपना बहुत वक्त निकाल के और एक स्पेस खाली करके, अगर मैं किसी इदारे में भेज रही हूँ 10 बच्चियों को, तो वो 10 लोगों का स्पेस अपना खाली करेगा जहाँ पे वो काम करवा रहे होते हैं, स्पेस खाली करके आपकी बच्चियों को अलाउ करेगा वहाँ काम करें, तो अगर वो वहाँ नहीं पहुँचेंगी, काम नहीं करेंगी, तो जाहिर सी बात है एक इदारे का भी नाम खराब होता है, एक कम्युनिटी का भी नाम खराब होता है, इस कम्युनिटी से जो हमने बच्चे लिए थे वो काम नहीं था, तो ये काफ़ी अहमियत रखता है। कोर्स सिर्फ ये नहीं है कि मुफ्त कोर्स तो आपको बहुत कराएंगे, आपको गवर्नमेंट सेक्टर सारे मुफ्त कोर्स कराएंगे, पे नहीं लेके जाएगा कि आपको कामों पे भी भेजेगा, काम सिखाएगा भी, और उसके बाद फॉलो अप भी लेगा कि भाई कहाँ खड़े हो, काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, कोई आपको गवर्नमेंट का वो सर्टिफिकेट नहीं देगा कि आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते, वहां से जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है नहीं जा सकता, देयर आर टू मेनी पीपल जो कोई आसानी से बाहर जा सकते, तो मुझे वालदैन से ये कमिटमेंट चाहिए कि अपने बच्चों से कहें कि अगर वो यहाँ पे फोर्स करने आ रहे हैं ना बेटा, तो 6 महीने का मतलब है 6 महीने, उसके बीच में कोई ये कमिटमेंट ना हो कि मैंने इधर एडमिशन ले लिया, उधर एडमिशन ले लिया, आप 6 महीने हमारे साथ कमिटमेंट कीजिए, मैं कमिटमेंट करती हूँ कि मैं आपकी बच्चियों को इतना ट्रेंड जरूर कर दूंगी कि जिंदगी में उनको अगर कोई मुश्किल आए तो वो अपने सर्टिफिकेट को निकाल के हुनर का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उनको कम से कम काम मिल जाएगा। ये मैं आपको वादा करती हूं, बहुत शुक्रिया। आप लोग बैठिए, बच्चे बस फारिग होते हैं जैसे, तो फिर वहाँ मां तो पूरी कोशिश करे रही बीइंग अ यूथ एंबेसडर के पूरी बिरादरी की जितो अगिया थई सके हम खड़ी भी ना एक बदले में खाली आज साथ खपे तो मैं आज सपोर्ट खपे तो या ही अचो कि बच्चे के खणी अचो जो बेनिफिट्स आ दे रहा सगा तो दे रहा दियो या जमा ना के दे रहा दियो आई अगर साथ दींदा आई विरोध रो होता तो गले मुख दुख लगे तो गड़े गड़े गांव के लोग ला तरक्की करे हम कौन मुख दुख ला दी तरक्की तो कहना करे जो को मुख थे सके तो जो को मैं कांटेक्ट सीन भी जो यूज करे रहो ना भाई इनके जो है ना मेरा करा रहे हैं सो उनके फाइल भी खाली थे सब सैटरडे बच्चों के बने
कस्टमर डीलिंग कैसे होती है इसको हम सिखाते हैं, हमारे CSSR की जो कोर्स है वो हर जगह हमने कहीं ना कहीं डाला है। प्रोडक्ट नॉलेज कैसे बच्चा जो है तैयारी करिंदा मैडम दिखा रही है जनरल सेक्रेटरी साहब के, ये हमारी बच्चियां हैं, ये इस बच्ची का पोर्टफोलियो है, अंजलि बच्ची है, अंजलि इधर आओ बेटे, शी इज फ्रॉम योर कम्युनिटी, ये बच्ची, ये इसका पोर्टफोलियो, ये इसका खुद बना है। वेरी गुड अंजलि, ये मेरे इस बच्ची का पूरा इसने जो 6 मंथ्स में किया है वो सारा इसके पास है कि लेट्स सपोज ये अगर नहीं काम करती तो इसके पास ये हो कि कभी खोले तो इसके पास चीजें हो, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स की पिक्चर्स हैं कुछ हमारी जो नेट से उठाई नहीं है, ये इनके पास पूरा डेटा होता है, ये इनकी प्रैक्टिस है, ये बच्चियों की अंजलि की ही प्रैक्टिस है, ये देख सकते हैं आप अंजलि दिख भी रही है, ये कहीं सैलून में जाती है तो ये इसका अपना पोर्टफोलियो हो कि ये मेरा काम है। जनरल सेक्रेटरी साहब की समूह का खबर है ना, खाली हो गया आई होप के आगे गई जो मैं पूरे खास तरीके से ईमानदारी से ज़्यादा बड़ी बात कर गई तो आईंदा भी बिल्कुल बड़ा होगा मिल जो जैसे पानी दी हूँ पाँच बच्चा और जो है कुछ दोस्त कुछ भाई कहता यार भाई जो सर बच्चे ही शुक्रिया जो लेडीज जो शुक्रिया जो भाई है वहाँ पर है तो उन्हीं लग रहे थे वहाँ पर ये बड़ी को गाल लें भगवान कह दो ज़्यादा बड़ी बात करते और सो रखियो इन फ्यूचर पापा जो बच्चे ना करे भी और जो है वहाँ पर ही सीखो हाँ जो है ये कहावा जो है शुरू थे खाली पाजी ब्रादरी जी आई हुई तो उन्हीं जी प्रोटोकॉल करे मतलब के मायता जो है ना तो भरोसो करे ने बिजी धीरे कहना है तेना करे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कंपनी के ऊपर अदली ऑफ नहीं करते हो भाई ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी गंगाराम साहब ने वो कंपनी के ऊपर ना हाफ दे ऑफ नहीं करते हो भाई नहीं खाली दे आया नहीं इन्हीं जी भी दिनों में शामिल नहीं इन्हीं जी भी दिनों में शामिल नहीं पिछले बच्चे के जमात की एक्टिविटी में बिजी है एकड़ो दो रूम दो जरे बाकी चौंदा बाकी बच्चे के जमात में ना आ धीरे होते कि ना ही ना होंगे अज तारीख में दवाई नहीं दी कि एवर तक पार्ट कम से कम 300-350 भाई रजिस्टर्ड भी हो ने अगर मां ब्यूटीशियन की गाल करें तो वो 250 का फाइल टाइप अलग पे है थोड़ी सी गुड न्यूज़ ये भी दो से कहते हैं ब्यूटीशियन की मीटिंग भी कामयाब गई है ने ये जल्दी ऐसा है जो कैंप रख दो ने कैंप में जो है भाई जो सेलेक्ट थी वो भी मैंने जो हमारे सैलून में दिखा रहे हैं वो तो अच्छी न्यूज़ पोस्ट करना है आलो वाले चाय भी होता है यस सर।
अखों ज्ञान पानी पाके अलख दे दीदा है महेश अदुदेव जी दो मंजोरथ जी गालू कुचरा ने आके देखा रहा सूं कि पांजी कम्युनिटी होने और फाउंडेशन में आ गई अराउंड 45 आई की कुटिया आया सूं उन्हीं आते मीडिया टेस्ट थे इंटरव्यू कंडक्ट थे ने आने मंडे वाली डी पाके जो ना फाइनल लिस्ट मिल दी मंडे वाली डी खबर पौंदी कि पांजी बिरादरी केतरा बचन में सिलेक्ट थिया ने केतरा नए सिलेक्ट थिया ने फर्दर जो सिलेक्ट थिया ही पोनी आगी प्रोसेस हों दो आगे चोबो ने इनके अलावा हुनर फाउंडेशन थ्रू पांजी बिरादरी में एकड़ो जो ना थोड़े डी बाद कैंप लगे वर उन कैंप के अंदर ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड जितनी भी बाइयों हुई मिड़ी के वापस घुराई वो ने उन्हीं मिड़िया जो ना तो सेशन थी तो होते उनमें जो बाइयों सेलेक्ट थी उम्र इतने अची कर ब्यूटी पार्लर जो ना कम सीखनी ने उनमें एक गुड न्यूज़ ये भी है कि फीमेल भी मेल भी होगा यानी कि मेल जो आई उन्हीं की भी जो ना इनमें खड़ी रहा हूँ तो उन्हीं भी जो ना इंटरव्यूज वगैरह थी ना सिलसिलों का इन तरीके से ही होंगे तो ये मेरे अपडेट ही जो असा हाँ तक पुजाया सो मेरे नेरे के कितनी खासी खूबसूरती से हाँ मिड़ी धीरे के भाई के जमात जो आई स्पोक पर्सन ही जो जमात जो लीडर ही वो पिंजी सरपरस्ती में हाँ न्याणी के कोठे आया ने एवर भी नीचा मौजूद नहीं जब पा उतरबो नीचा तो पिंजी सुपरविजन में भाई के बस में विराइंदा ने मिड़ी के पिंजे घर वेटे छड़ींदा तो कच्छी माशी मेघवार पंचायत की तरफ आला करे मिड़े थी रो प्लीज़ इनमें हिस्सो गिनो वधारे से वधारे हिस्सो गिनो ताकि आंके इनमें अना बेनिफिट थिए ने मुख्य वो इजाज़त ने वीडियो के जो ना नेरे करे मैं तक जरूर शेयर करिए ताकि बी भाई भी अगे अचे ने जैसे पाए कैंप लगता उनकी अपडेट आवे जल्दी डी लेंदोसाएं आंखें मातंग जय घणी माता।